नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज मल्हार प्रस्तुत हॉबी डूबी डू इस हमारे बहुत ही पॉपुलर टॉक शो में आज हमारे ऑनरेबल गेस्ट है, सीनियर एडवोकेट और एक होनहार व्यक्तित्व जिनको सामाजिक दायित्व के लिए नेशनल लेवल का पुरस्कार हाल ही में मिला हुआ है। ऐसे हमारे सन्मित्र एडवोकेट के बी वर्मा जी, जो हमारे आज के एपिसोड क्रमांक 165 में मृत्युपत्र विरासत अधिकार का नियोजन इस बहुत ही उपयुक्त महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपसे कानूनी जानकारी शेयर करेंगे और उनका एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। सर जी, आपका मल्हार कम्युनिकेशंस के ओर से हॉबी डूबी डू इस शो में सहर्ष स्वागत है, वेलकम। थैंक यू। जैसे कि मैंने बताया, मृत्युपत्र विरासत अधिकार का नियोजन, वकील साहब मुझे बताइए, आम लोगों के मन में मृत्युपत्र, जो पहले जो अक्षर है मृत्यु, इसका बहुत ही डर रहता है, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? एक्चुअल में विषय ऐसा होता है कि भाई कि भाई सभी को ऐसा लगता है कि मौत जो होती है, मृत्यु होती है, उससे डर डर पैदा होता है, राइट। और जो डर के वजह से हम सोचते हैं कि भाई कि भाई कि हम आखिरी पड़ाव में हैं और हमने ऐसा क्यों लिखना चाहिए, लेकिन असल में हम देखते हैं कि मौत कब कब आएंगी, कौन से समय पर आएंगी, इसका कुछ अंदेजा होता नहीं है। ऐसे समय पर अगर जिसके पास में जो अपनी वस्तु होती है, जो उन्होंने खुद ने कमाई वस्तु है, उस वस्तु को लेकर अगर उन्होंने कुछ अपनी बात रखी, अपनी बात अपनी इच्छा व्यक्त की और उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार अपनी एक लेख बनाया जिसको बोलते हैं मृत्यु पत्र, अच्छा, या वसीयतनामा या विल उसको बोलते हैं, तो इस विल का उपयोग ऐसा होता है कि उस व्यक्ति के जाने के बाद में जो उनके जिसको वो व्यक्ति वो वस्तु देना चाहता है, उन उस व्यक्ति को ये वस्तु प्राप्त होती है और उसका आगे का उसका जो इच्छा का मान के सम्मान होता है सर। इस प्रकार वसीयत का ये बट्टू होता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये प्रॉपर्टी जो रहती है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड होना जरूरी है? हाँ। क्या क्या इसमें कानूनी प्रावधान क्या है? हाँ, ये बात सही है कि जिसकी जिसने खुद ने ये जमीन जायदाद या जो भी प्रॉपर्टी होती है, अच्छा, उन्हें खुद ने ये प्रॉपर्टी कमाना जरूरी है। अच्छा। जिस प्रकार समझो मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है, उन्होंने खुद ने कमाया है, तो वो उनकी मन की मर्जी होती है कि किसको देना चाहिए। अच्छा। लेकिन मेरे जो दादाजी की जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी होती है, तो उसके अंदर जैसा ही मेरा बाय बर्थ मेरा जन्म होता है, तो जन्मता मुझे उसमें अधिकार मिलता है। अपने यहाँ जो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो बोला जाता है, हिंदू वारस कायदा जिसको बोला जाता है, उसमें ऐसा है कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, वरीरोबाजी प्रॉपर्टी, पिताजी की जमीन जायदाद, तो उसके अंदर बाय बर्थ उन बच्चों का भी राइट क्लियर हो जाता है। अच्छा। लेकिन अच्छा। ये इस प्रकार जो मैंने खुद ने कमाया है, उस प्रॉपर्टी का मैंने मेरे मन के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार उस प्रॉपर्टी का विनियोग होना चाहिए, मेरे बाद में भी मेरे इच्छा के अनुसार उसका उपयोग होना चाहिए, उसका उस काम में आना चाहिए। इस प्रकार ये शेयर एक्वायर प्रॉपर्टी के लिए ही ये विल या मृत्यु पत्र बनता है या वसीयतनामा बनता है। अच्छा अच्छा, बहुत ही उपयुक्त जानकारी आप शेयर कर रहे हैं सर। मैं आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि सर ने 4 किताबें, कानूनी किताबें लिखी हुई है और गए 28 साल का एक्सपीरियंस सर के पास है, तो मृत्यु पत्र के बारे में बहुत सारी रंजक कथाएं हैं, किस्से हैं, लीजेंडरी फैमिलीज में भी बैटल, लीगल बैटल चल रही है, उसके बारे में भी हम सर से पता करेंगे, जानेंगे। तो सर मुझे बताइए आप कि कौन बना सकता है मृत्यु पत्र या विल? जो वसीयतनामा जो होता है, ये वसीयत मुझे विल, अच्छा, ये जो 18 साल के ऊपर जो मेजर पर्सन होते हैं, उन व्यक्ति को ही, संज्ञान जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्ति को ही, और जो जिनका माइंड साउंड है,
अच्छा। जो फिजिकली और मेंटली फिट है ऐसे व्यक्ति को ही व्हील बनाने का अधिकार होता है। अच्छा। लेकिन व्हील के अंदर दूसरा एक पार्ट जो होता है जिसको बोलते हैं प्री विरेज व्हील, मुझे विशेष अधिकार का जो व्हील जो होता है उसके लिए ये 18 साल का प्रावधान उसमें लागू नहीं होता है। अच्छा। वो एक अलग टाइप का व्हील होता है जिसको कुछ जिस प्रकार आर्मी में या जो सैनिक होते हैं उनको कुछ कानून ने कुछ खास अधिकार दिए हैं। अच्छा। ऐसे व्यक्ति के लिए ये नियम लागू नहीं होता, लेकिन जनरली आम व्यक्ति के लिए 18 साल के सज्ञान व्यक्ति और जो व्यक्ति फिजिकली और मेंटली फिट है ऐसे व्यक्ति को व्हील करना चाहिए या व्हील के लिए इन ये कंडीशन लागू होती है। अच्छा 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 अच्छा। प्रिविलेज का बारे में आपने बताया जिस मिलिट्री मैन रहती है, ठीक है, तो क्या विटनेस वगैरह इसके लिए ज़रूरी है? नहीं, प्रिविलेज का जो इंडियन सक्सेशन एक्ट, एक्चुअली विल का मतलब क्या होता है? तो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन अच्छा। जो दी विल की उसमें अच्छा। ऐसा दिया हुआ कि जो व्यक्ति को अपनी जमीन जायदाद या जो प्रॉपर्टी होती है उसके लिए बात लिख के रखना, उनकी ये जो इच्छा होती है उस इच्छा के अनुसार आगे उनके बाद में उनके निधन होने के बाद में बोलो उनका देहांत होने के बाद में उस प्रॉपर्टी का जो भी उपयोग में क्या लाना चाहिए उसकी इच्छा का मान रखना चाहिए, उस हिसाब से उसकी जो सोच होती है वो अपनी इच्छा उस बात में लिखी जाती है। बिल का मतलब ये होता है। अब उसके लिए जो कंडीशन जो हुई मैंने आपको बताया कंडीशन ऐसी है, अब विल जब विल ये ऐसे समय लागू होती है उस व्यक्ति ने जिसने विल किया उसके अब तक उसके ज्ञान के बाद में ही उस व्यक्ति की मौत के बाद में मृत्यु के बाद में ही विल लागू होती है। अच्छा। अब विल लागू होने के बाद में उस समय तो वो व्यक्ति जिंदा नहीं रहते, लेकिन उनके सामने दो व्यक्ति ने जो विटनेस जो होते हैं कम से कम दो विटनेस उसमें जरूर होता है। अच्छा। दो व्यक्ति जरूरी विटनेस जरूरी होती है और तीसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो लिखित डॉक्यूमेंट होना चाहिए और उसके लिए कोई भी रजिस्टर डॉक्यूमेंट करने की कानून से जरूरत नहीं है। अच्छा। और अब रही प्री विरेस के बारे में बात करते हैं हम, तो प्री विरेस की जो बात आपने जो मुझे सवाल किया था राइट, तो वो प्री विरेस ऐसा है कि सिर्फ जो युद्ध के मैदान पे या जो आर्मी में जो या इस प्रकार जो सैनिक जो काम कर रहे हैं जिनके कभी भी उनके सामने हादसा हो सकता है या मौत आ सकती है ऐसे समय उनके लिए ये परमिशन है कि वो लिखित या अलिखित, मुझे वो जरूरी कि उनको लिख के देना चाहिए या उन्होंने बात भी कही थी कि भाई मेरी ये इच्छा है कि मेरे बाद में मेरी ये मेरी जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी है या मेरे बाद में क्या करना चाहिए, तो उन्होंने जिनको बताया और उन व्यक्ति ने वो लिख लिया और उस पर उन्होंने सही कर लिया तो भी वो प्रीवियस वसीयतनामा उसको माना जाता है। अच्छा अच्छा, वो वैलिड रहता है, वो वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है कानून की नज़र। हाँ, उसके लिए जरूर नहीं कि भाई कि उन्होंने लिखित में लिखना चाहिए, वो व्यक्ति खुद ही अपने हाथ से भी लिख सकते हैं, उसके लिए सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, बिना सिग्नेचर भी हो सकती है, लेकिन ये बात सिर्फ इन खास लोगों के लिए ही है। अच्छा अच्छा, आम व्यक्ति के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। ओके ओके। आपने रजिस्टर्ड ये विरासत अधिकार के लिए जो भी विल बनाया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताया और प्रिविलेज के बारे में बताया, तो अपार्ट फ्रॉम दिस ये व्हील एग्जीक्यूशन के लिए देहांत के बाद में क्या स्पेसिफिक टाइम पीरियड वो प्रावधान में है? हाँ, क्या है उसमें? असल में ऐसा है कि व्हील जो व्यक्ति व्हील करता है उसने व्हील के बारे में इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन जो विल होती है उसका रजिस्ट्रेशन किए अगर हमने तो जैसे ही उस व्यक्ति का देहांत होने के बाद में 3 साल के अंदर हमको उस विल के अनुसार हमको आगे की कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा, 3 साल अच्छा, के अंदर अच्छा, अच्छा, तो उस हिसाब से वो विल की कार्रवाई आगे करे तो उसके लिए टाइम पीरियड 3 दिया है। कभी कभी होता है ऐसा होता है कि हमको नॉलेज नहीं रहता है कि हमारे पिताजी ने बोलो या हमारे पहले के जो पूर्वज है उन्होंने विल करके रखी है, लेकिन बाद में जब पता चलता है कि ऐसी विल उन्होंने की है तो फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज जब अच्छा, से हमको जानकारी मिली है तब से हम 3 साल के अंदर हम विल के लिए कोर्ट से हम प्रोबेट दाखिला ले सकते हैं। अब ये प्रोबेट का विषय भी ऐसा है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से अगर आप बम्बई चेन्नई या कलकत्ता में रहते हो तो ये तीनों जगह ही से आपको कोर्ट से प्रोबेट लेना चाहिए। अच्छा। अदरवाइज बाकी जगह प्रोबेट लेने की जरूरत नहीं गिलती है। अच्छा अच्छा अच्छा। वकील साहब मुझे बताइए
कि कंटेंट्स क्या होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होने चाहिए, 1, 2, 3, 4। देखिए विल जो होती है, तो विल के सबसे पहली बात ये लिखना चाहिए कि भाई जो मेरी इच्छा है, अच्छा वो इच्छा क्या क्या है उस बारे में लिखना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने ये लिखना चाहिए कि भाई मेरी उम्र 31 साल की है, मुझे मैं मेजर हूँ, पहला विषय। दूसरा विषय उन्होंने ये लिखना चाहिए कि जो भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी हमको मिली है वो मेरी खुद की कमाई की प्रॉपर्टी है, मैंने अपने पैसों से ये प्रॉपर्टी खरीदी करी हुई है। और दूसरा विषय, तीसरा विषय ये होता है कि भाई कि ये प्रॉपर्टी का आगे क्या करना चाहिए, अच्छा। ये उनकी इच्छा क्या है, अच्छा विनियोग कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसने क्या करना चाहिए। विल के अंदर हम किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट भी कर सकते हैं कि जिसको ये बोला जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटर, कि भाई कि अगर मैंने विल करते समय आपको अपॉइंट किया कि ये विल के बारे में जो इसका एजुकेशन करना है, जो व्हील की जो बारे में जो कार्रवाई करना है मेरे बाद में, अच्छा, तो वो कार्रवाई अच्छा। आप कीजिए। तो इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटर भी इस मैटर में अपॉइंटमेंट होता है। तो इस प्रकार का जो डॉक्यूमेंट बनता है, तो वो डॉक्यूमेंट बनने के बाद में जो दो विटनेस के सामने, और दूसरी सबसे बड़ी बात ऐसी है कि जो फिजिकली और मेंटली फिटनेस है या नहीं है, उसके लिए हम लोग तो ये बहुत ज़्यादा मुझे काफ़ी मैंने विल बनाई है ऐसी, मैंने अच्छा, काफ़ी अच्छा। लोग हमारे पास में इस बारे में सजा लेने आते हैं ऐसे कि हमारी ऐसी इच्छा है और हमने क्या करना चाहिए, तो वो जो जानकारी देते हैं उसी हिसाब से हम लोग विल बनाते हैं। तो उस विल में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग मैक्सिमम मैं सोचता हूँ कि कानून से ये विल रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो होता है सेक्शन 17, जिसके अंदर कंपल्सरी डॉक्यूमेंट होता है, और सेक्शन 18 के अंदर जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट होते हैं। अच्छा। तो विल जो होता है इसको रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, पहला विषय। दूसरा, विल के लिए कोई स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं है, लेकिन विल के लिए दो विटनेस जरूरी है, अटेस्टरी विटनेस। क्योंकि मेरे जाने के बाद में इस विल के बारे में कौन जानकारी देगा कि मेरी ऐसी ख्वाहिश थी, मेरी ऐसी इच्छाएं थी, या मैं इस प्रकार कहना चाहता हूँ। तो ये बात बताने के लिए दो विटनेस, कम से कम दो विटनेस जरूरी है कि जो इस बारे में सभी को बता सके, या कोर्ट में आके बोल सकते उसको बोलते अटेस्टेड विटनेस। अटेस्टेड विटनेस के जवाब देने पर ही मेरी विल ये साबित होती है, अच्छा अच्छा अच्छा, अदरवाइज वो विल साबित होना नहीं है। तो सर टाइप्स इसके क्या अलग अलग टाइप्स है? टाइप्स मेन बात देखिए कि हस्बैंड और वाइफ भी चाहे तो दोनों एक साथ में विल बना सकते हैं। ओके, जिसको बोल सकते हैं एक प्रीवियस विल से अपनी जो बातचीत हुई है अपनी, वो प्रीवियस बन सकती है जिसको खास होते हैं। दूसरी जनरल विल हमने बात किया कि आम आदमी भी जो विल बना सकती है, इस प्रकार के विल बनती है। और इस प्रकार से एक विल का बहुत लोगों के मन में जो डर पैदा होता है, डर इसलिए होता है कि भाई कि मौत से सभी जन डरते हैं, कि भाई उनको ऐसा लगता है कि विल बनाना इसका मतलब मेरी आखिरी में मौत आ गई क्या। बहुत बार ऐसा भी एक हमको अनुभव आता है कि उनके बच्चे आके हमको बोलते हैं कि नहीं मेरे पिताजी अब थोड़े उम्र सिर हो गए, या उनके लिए हमको विल बनाना जरूरी है, तो आप कोशिश बना रहो। लेकिन उस व्यक्ति की हालत ऐसी होती है कि भाई मैंने तो इतनी जल्दी मैं मनने वाला नहीं हूँ, या अच्छा। फिर मुझे मैंने क्यों विल बना के देना चाहिए। तो ऐसे समय हमको उनको समझाना पड़ता है कि ये विल जो है वो आपको क्यों ज़रूरी है और क्यों करना चाहिए। देखिए ये बात सच्चाई है कि विल जो होती है ये हमको इस दुनिया में, इस अच्छी दुनिया जो हमको इस दुनिया में हम आए हैं, इस दुनिया में हमको जो बात मिली है, जो हमको जो मिला है वो हमको वापस किसी को देना है। ये बात हम मन में रखते हैं, या सक्सेसर हाँ, हमको देना है। तो मुझे जो मिला है वो मुझे और किसको देना है मेरे पास में। खाली हाथ आया खाली हाथ जाना है। तो देते समय हमने अच्छे मन से दिए, और अच्छे मन से दिए तो वो विल का एक सदुपयोग होता है, उसकी जो जमीन ज्यादा प्रॉपर्टी का सदुपयोग होता है और आगे काम बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सारी बातें न्यूज़पेपर के अंदर, मीडिया के अंदर आती रहती है कि भाई विल को चैलेंज कर दिया, एक्स वाई जेड जो बड़े बड़े फैमिलीज रहती है, इसको मैंने बोला शुरू में कि लीजेंडरी फैमिलीज वगैरह, उसमें भी लीगल बैटल चलती रहती है, बहुत सारे किस्से होते रहते हैं। तो आपके क्या एक्सपीरियंस है और क्या राय है इसके बारे में? देखो विल जो है एक व्यक्ति ने लिखा हुआ अपनी इच्छा डॉक्यूमेंट है, राइट। वो डॉक्यूमेंट उस व्यक्ति के जाने के बाद में ही उसकी शुरुआत होती है। जब परिवारजनों के बाद की जानकारी होती है कि भाई कि मेरे पिताजी ने या मेरे दादाजी ने उनकी सौ समाई की प्रॉपर्टी के बारे में ऐसा लिखा है, तो बाकी के परिवार लोगों को कुछ नाराजगी होती है, ये नाराजगी आती है।
फिर उसमें का कोई उस विल का सम्मान नहीं करता है, उनके पिताजी का जो इच्छा होती है उनकी आदर न करते हुए उस विल को वो चैलेंज करता है। ये बात तो जाहिर है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो बनता है उसको कोर्ट में चैलेंज करते आता है। अच्छा। वो डॉक्यूमेंट जो बना है तो वही कंडीशन लागू होती है कि इन्होंने जो विल बनाया उस पर उनकी सही नहीं थी, अटेस्ट थे विटनेस जो थे उनको इस बात का नॉलेज नहीं था, फिर इन्होंने विल जो बनाई वो विल जो बनाई तो वो उनकी हैंडराइटिंग भी नहीं थी या किसी लिखा उसका नाम नहीं था, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट चैलेंज होते हैं। अभी एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद में उनके जो बेटे जो थे जयदेव ठाकरे, अच्छा, इन्होंने भी एक मुंबई हाईकोर्ट के अंदर ये मृत्यु पत्र को लेकर मैटर दाखिल किया था और उस मैटर के अंदर काफ़ी दिन तक वो मैटर चला। ऐसा उस मैटर के अंदर उद्धवजी ठाकरे के को सभी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी दी गई थी और बाला साहब ठाकरे की ये इच्छा थी कि भाई कि ये सभी जमीन जायदाद उनको ही देना चाहिए, लेकिन उस बारे में जो आगे जो डिस्प्यूट चला तो फिर आखिर में ऐसा हुआ कि वो उनके भाई जो थे जयदेव ठाकरे ने उन्होंने वही बात माने कि मेरे पिताजी जो है उनका मैं सम्मान करता हूँ। अच्छा, और अच्छा। उनका मैं आदर करते हुए उन्होंने जो बात लिखी हुई मुझे मंजूर है, मुझे मान्य है और ये विल जो है ये विल के हिसाब से जो उनको जिसको देना चाहते हैं वो उनको देना चाहिए, उन्होंने जो जिसको दिया मुझे देना चाहिए और बात मैं स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार से वो विल का जो था ये सबसे अच्छा एक उदाहरण है कि जरी कोर्ट में मैटर दाखिल हुआ उसके बाद में दोनों भाई मिले और उनके आपस की नाराजगी दूर हुई और ये विल का भी एक विषय हुआ खत्म हुआ ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। हाँ, उसमें ठीक है जी, सॉल्यूशन प्रॉपरली निकला और पॉजिटिवली भी निकला। हाँ। अच्छा, ये आप आदमी के लिए बहुत ही आपने जो टिप्स दिए ये बहुत ही उपयुक्त तो है ही, लेकिन अगर जिस ब्लड रिलेशन में मानो जिनके पास ये विरासत वाले अगली जनरेशन नहीं है तो वो लोग अगर उनको चैरिटी करना चाहते किसी धार्मिक संस्था को देना चाहते हैं किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को देना चाहते तो क्या वो भी विल अलग से बनता है? हाँ, कैसे? विल करे को विल का सादा सिंपल मतलब है इच्छा। ओके, मेरी इच्छा, मेरी अगर इच्छा ये होती है कि भाई कि मेरे बच्चे होने के बावजूद भी मैं मेरे बच्चों को देना नहीं चाहता हूँ, जरूर नहीं कि भाई कि बच्चे को मैंने देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद की कमाई प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी जो मैंने मेरे बच्चों को देना नहीं, मुझे किसी ट्रस्ट को देना है, सामाजिक संस्था को देना है, तो उस सामाजिक संस्था से मेरा जो लगाव रहा और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भाई कि मेरे बाद में ये सभी जो मैंने कमाई हुई प्रॉपर्टी है उसका सदुपयोग वो सामाजिक संस्था करेंगी, तो ऐसे हालत में वो व्यक्ति अपनी इच्छा से उस सामाजिक संस्था को वो प्रॉपर्टी दे सकती है और देती भी है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी है कि जिसके अंदर से ये सामाजिक संस्था को भी आगे काम करते हैं और इस प्रकार का विल जो होता है वो वैलिड विल माना जाता है। अच्छा। और उसका भी परिवारजन भी उसका स्वागत करती है, सम्मान करती है, इस प्रकार का विल होता। अच्छा। है मुझे ऐसा लीगल वेटेज उसको है, है, है। अच्छा अच्छा, ये फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह इसके बारे में क्या बोलते हैं? बहुत बार कुछ जिनके पास में बहुत सारी संपत्ति होती है, जिनके पास में अमाप धन संपत्ति होती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके बारे में उन्होंने कभी इस प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं बनाया होगा, विल नहीं बनाया होगा, तो उनके बाद में उनके परिवार के अंदर जिस प्रकार से जो एक प्रॉपर्टी को लेकर आपस में एक बहस शुरू हो जाती, विवाद चलते रहता है कि इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी मैंने किसको देना चाहिए, ये प्रॉपर्टी मुझे मिलना चाहिए थी, या ये मकान मुझे देना चाहिए था, या वो खेत मुझे होना चाहिए था, या ये जो ऑर्नामेंट जो सोने चांदी के जो दागिने वो मुझे मिलना चाहिए, या बैंक में जो रकम मुझे मिलना चाहिए, या इनको जो शेयर्स मिले वो मुझे मिलना चाहिए, इस प्रकार की जो बहुत लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशें होती है, उसी वजह से क्या होता मालूम है क्या कि वो आपस में इनका कोई न कोई व्यक्ति से तरह से कोशिश किया जाता है कि ये आपस में मिलकर ये बैठे और उसमें सोल्यूशन निकले। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि कोई लोग ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं क्योंकि विल के लिए स्टैम्प पेपर जरूरी नहीं होता। ओके, विल जो होती है ये सादे कागज पर बन सकती है, तो उसके लिए सादे कागज पर उसी व्यक्ति की अगर समझो जो जो व्यक्ति एक्सपायर हो गया है उसकी बोगस सिग्नेचर मार दिया और दो अटेस्टेड विटनेस बना दिया, तो उसके आधार पर ये बोल सकते हैं कि भाई हमने ये विल वो उनकी विल थी इसी हिसाब से बनाया, क्लेम कर सकते हैं। हाँ, ऐसे क्लेम बन सकता है, ऐसा जूता क्लेम हो सकता है, लेकिन इसका नतीजा ऐसा होता है
कि वो सिग्नेचर अगर मैच नहीं हुई, समझो सिग्नेचर मैच नहीं हुई है, तो ये भारतीय दंड विधान मुझे आईपीसी की जो धारा जो है, अच्छा, फॉर्जरी जिसको बोलते 466 के अंदर, एक प्रकार का झूठा डॉक्यूमेंट विल तैयार करना, वो झूठा डॉक्यूमेंट बनाकर उस विल ने, वो विल जो है उस व्यक्ति ने बना के दिया, ऐसा ऐसा बताना, वही विल है, सच्चा विल है ऐसा बताना, जीनन विल है ऐसा बताना, ये फॉर्जरी के डेफिनेशन में आता है, चीटिंग के डेफिनेशन में आता है, इसलिए इंडियन पिनल कोड के अंदर उसको 7 साल तक पनिशमेंट भी दी हुई है उसको। और मैं ज्यादा सोचता हूँ कि इस प्रकार विल न बनाते हुए हमने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी गलत काम न करते हुए अगर हम लोग अपने अपनी जिंदगी के अंदर ही, ये बात तो नक्की है कि हमारे साथ में कोई आना नहीं है, तो मेरी सलाह या मेरे सोचना, मेरा सजेशन ऐसा रहेगा कि सभी जनों ने अपनी इच्छा के हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट बना लेना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, 2 अटेस्टेड विटनेस साथ में रखना चाहिए और डॉक्टर का सर्टिफिकेट साथ में जोड़ना चाहिए, तो ये फैमिली में दिक्कतें नहीं आती, झूठे डॉक्यूमेंट नहीं बनेंगे और आगे फ्यूचर में जिस प्रकार जो दिक्कत खड़ी होती वो किसी को खड़ी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये मनमुटाव नहीं होगा और परिवार में एक अच्छा सा माहौल बना रहता है सर। अभी आखिरी में आपने एक पॉइंट जो बताया, डॉक्टरी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, तो वो कैसे हासिल किया जा सकता है, और वो भी तो फर्जी हो सकता है ना? हाँ, अब कैसा रहता मालूम है कि भाई कि जिन्होंने विल बनाई है तो उस व्यक्ति की ये मन की इच्छा होना चाहिए, उस पर किसी ने दबाव दर्पण या किसी के अंडर इन्फ्लुएंस, किसी के प्रेशर में आकर या किसी के कहने में आकर ऐसा नहीं होना चाहिए। विल अगर समझो खुद के मन के इच्छा से अनुसार बनाई जाती है तो उस व्यक्ति का उसने खुद के मन से राजी खुशी से और ये विल बनाई जाती है, तो उस समय उस व्यक्ति का फिजिकली मेंटली फिटनेस भी देखा जाता है, कि जब विल का मैटर जो कोर्ट में आता है तो कोर्ट ये देखते हैं कि भाई कि इस व्यक्ति ने स्वयं में इस प्रकार का कोई दबाव में दर्पण में आकर या उनकी उम्र का उम्र पे कोई दबाव लाकर बोलो, क्योंकि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो आदमी कमज़ोर होते जाता है, और कमज़ोर शारीरिक भी कमज़ोर होते जाता है और मानसिक रूप भी कमज़ोर होते जाता है, तो इसी हिसाब से जब कमज़ोर जब होता है आदमी तो उस कमज़ोर का भी गैर फायदा लिया जाता है। बिल्कुल, तो वो ऐसे हालत में उस व्यक्ति को दबाव दर्पण से उसको जोर जबरदस्ती से विल बनाई जाती है, तो उस समय अगर डॉक्टर ने आकर बोल दिया कि भाई कि ही इज़ नॉट फिट फिट टू एग्जीक्यूट विल, अच्छा, तो अच्छा, डॉक्टर का सर्टिफिकेट इसलिए इम्पोर्टेंट रखता है कि वो फिजिकली और मेंटली फिटनेस है, ये बहुत जरूरी होता है। अच्छा, और उसके से वो विल साबित मुझे उसकी उसका इंटेंशन, उसका जो हेतु जो है वो साबित नहीं हो सकता ऐसा, और एग्जीक्यूशन प्रोसेस के लिए भी दिक्कत आती है, फिर प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। सवाल ही नहीं, सवाल होते सर। तो ये नियोजन करने के लिए क्या ये सीक्रेसी मेंटेन करना जरूरी है? नहीं, असल में क्या होता है, मैंने देखा है, मैंने जलगांव के भोर भरे व्यक्ति का मैंने विल बनाया था मैंने। अच्छा अच्छा, उन्होंने यहाँ का काफ़ी उनका मिल थी उनकी, उन व्यक्ति का विल बनाया था मुझे, उन्होंने अकेले घर पे बुलाया था, अच्छी उम्र थी उनकी, 90 साल की उम्र थी, उनके उम्र की वजह से मुझे उनके घर पे जाना हुआ, उन्होंने मुझे बताया कि आपको मिलना है और बताना है, तो मैंने उनसे सब बातें समझ लिया, समझ के मैंने मैटर बनाया, उनको जाके बताया, उन्होंने सब बातें मानने की, उनके हिसाब से उन्होंने सभी बच्चे, उनके जो 3 बच्चे थे, वो जो एक बेटी थी और उनको सबको उन्होंने अपने अपने हिसाब से दिया। उनकी अंतिम इच्छा ये भी थी कि मेरे जो मेरे बाद में मेरा जो अंतिम संस्कार जो किया जाएगा, तो मेरे जो पोता जो है, मेरे जो सबसे बड़ा बेटा है, जो उनका जो लड़का जो है, उन्होंने मेरा अंतिम संस्कार करना चाहिए। बाद में ऐसा हुआ कि उनका देहांत हो गया और ध्यान होने के बाद में वो जो विल जो थी वो उनके पास ही थी, वो उन्होंने फिर कहाँ रखी गई पता नहीं, किसको मिली मालूम नहीं, लेकिन जिसको मिली उसके बाद की बात की जरूर जानकारी थी कि उनकी ये इच्छा भी थी कि मेरा अंतिम संस्कार मेरे बड़े बेटे के पोते ने करना चाहिए। तो उस बेटे उन्होंने क्या किया, बड़े होशियारी से कि उनका अंतिम संस्कार भाई उसी पोते के द्वारा किया, और लेकिन जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसके मतलब ऐसा विषय हुआ कि बारे में उनके आपस में थोड़ी सी नाराजगी बढ़ गई, झगड़े शुरू हुए और फिर वो काफ़ी सालों से उनका मैटर आपस में चलता रहा ऐसा। लेकिन ये सिक्योरिटी कुछ काम की नहीं होती है, जो भी करना है सबके सामने कीजिए,
भाई उसे बताने में दिक्कत क्या है, बराबर हम लोग छुपाते क्यों, किससे छुपाना हमको भाई, हमने जब क्या जो कमाया है सबके सामने रखो, बताइए कि मेरी इससे इच्छा है, आपकी इच्छा है, आपने कमाया अब बताना चाहिए, छुप छुप कर करने से उसमें कुछ हासिल होना नहीं है, क्योंकि आपके जाने के बाद में उसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, उसके लिए फैमिली को दिक्कत आ जाती है, वो मुश्किल हो जाती है। अगर कानूनी प्रावधान है तो उसका यानी फायदा उठाना चाहिए ना। व्हील के बारे में अगर हम इतिहास देखते हैं, व्हील का इतिहास हम देखते हैं तो नेपोलियन जो थे, अच्छा व्हील का बाटी देखते हैं नेपोलियन ने, जो इन्होंने ईस्वीसन 300 मतलब BCE के अंदर जो 327 के अंदर सबसे पहले उन्होंने बात लिखी थी अपनी विल में लिखी थी बात लिखी थी कि मेरी ऐसी ख्वाहिश है। उसी प्रकार से नेपोलियन भी है, शेक्सपियर भी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी है, और जहाँ तक अपने भारत की बात, गांधी जी का भी नाम है, गांधी जी का भी नाम है, और अपने भारत की बात करने बजाय अगर हम विदेश में जाते हैं तो वहाँ तक काफी वर्षों शतक मुझे भाई 400-500-700-800 साल पास से वीर डाकू में बनते आ रहा है उनके पास में, कि उनको बात समझ में आती है, ध्यान में आती है, वो किसी के मोह भी नहीं गिरते ऐसे कि अच्छा। मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास रखना चाहिए, ऐसा नहीं है, उनको ये सच्चाई ध्यान में आती है कि ये प्रॉपर्टी का मेरे बाद में किसी को कुछ देना है या मिलना है, बराबर तो वो मिले तो इस प्रकार मिले कि मेरे भी इच्छा पूरी हो जावे, इस प्रकार वो काम होना चाहिए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई कि हमने इतिहास के पन्नों में भी देखना चाहिए कि व्हील करना, ये वसीयतनामा बनाना ये बहुत ज़रूरी है और सबने करना चाहिए, कि मैं भी सोचता हूँ कि मैंने अपनी व्हील बना के रखना चाहिए। बहुत अच्छा सर, कहते हैं सबसे आखिरी में अमीर हो या गरीब हो व्हील बनाना ज़रूरी है, और ये अगर कानूनी प्रावधान है तो उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। और ये सबसे आखिरी बात, आपने जो सर चार किताबें लिखी है, मैंने शुरू में इंट्रोड्यूस करते हुए बोला था, तो कौन सी किताबें, क्या इसके बारे में किताब है आपकी? नहीं, मेरी व्हील को लेकर कोई किताब नहीं है। हाँ, लेकिन व्हील का जो डॉक्यूमेंट, जो झूठा डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, जो अच्छा फरेब डॉक्यूमेंट होता है, अच्छा उस डॉक्यूमेंट को लेकर किस प्रकार हम पुलिस के पास में कंप्लेंट दे सकते हैं, पुलिस इस बारे में किस प्रकार इन्वेस्टिगेशन करती है, किस प्रकार इस मैटर में अरेस्ट होती है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से उस बारे में विल की जो सिग्नेचर होती है या थंब इम्प्रेस होता है उसको वेरीफाई किया जाता है, राइट और उस बारे में फिर कोर्ट में मैटर किस प्रकार चलता है, विल में विल बारे में किस दिक्कत होती है, इस प्रकार की उस बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड कोर्ट इंक्वायरी इस प्रकार का सब्जेक्ट मैटर है वो है। अच्छा अच्छा, और मैं आपको और एक जानकारी देना चाहता हूँ जो मुझे महसूस ऐसे हो रही है कि इंडियन एसोसिएशन एज जो है वो हिंदू, जैन समाज, सिख और बौद्ध समाज के लिए लागू होता है। अच्छा अच्छा, मुझे ये हिंदू इंडियन एसोसिएशन जो है कानून होता है ये हिंदू भारतीय वारसा हक कायदा, जैन, बौद्ध, सिख लोगों लागू होता है और मुस्लिम समाज के लिए कानून लागू नहीं होता है। अच्छा अच्छा, तो मुस्लिम समाज के लिए जो होता है वो उनका पर्सनल लॉ जो होता है मुस्लिम लॉ, तो मुस्लिम समाज के लिए वो पर्सनल लॉ होता है, लेकिन देखे जाए तो वसीयत शब्द जो आया है वो मुस्लिम समाज से मुझे उर्दू भाषी शब्द है, वसीयत शब्द आता है, तो इसका मतलब कि मुस्लिम समाज के भी व्यक्ति जो होते हैं जिन्होंने खुद ने अपनी प्रॉपर्टी करते हैं तो वो भी अपने जो कानून जो है मुस्लिम लॉ जो है उसी हिसाब से वो भी वसीयतनामा बनाते हैं करते हैं। जाता मुझे याद है कि शायद मोहम्मद जिन्ना ने भी अपनी वसीयतनामा लिखी थी इसी, तो बिल्कुल वो वसीयतनामा ऐसा है कि वो सबकी मन की इच्छा है, सदियों से आते रहा, चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, वो करना चाहिए हमने ऐसा। अच्छा 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 सर, फ्रॉम माय एंड आखिरी सवाल कि भाई ये लैंडमार्क जजमेंट कुछ आए हैं केस के बारे में? ऐसे सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी जजमेंट भी है विल को लेकर। अच्छा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है मानो में क्या कि विल जो डॉक्यूमेंट जो होता है वो डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं लेकिन रजिस्टर रहा तो उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, राइट इसका मतलब ये होता है कि भाई उस व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट रजिस्टर करके दिया है, दैट इज द प्रिजम्प्टिव वैल्यू, उसको कुछ वैल्यू मिलती है उसको लिए, और चोरी छुपे एक डॉक्यूमेंट बन गया है उसका कोई ध्यान में आता नहीं, किसी पता चलता नहीं, तो उसके वो विषय खत्म हो जाता है हुआ। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना पड़ा है कि भाई जो रूल्स जो नियम बने हैं अटेस्ट के बारे में उस डॉक्यूमेंट को लेकर उसी हिसाब से वो डॉक्यूमेंट करना चाहिए ऐसा, उसके अगर उसी हिसाब से वो डॉक्यूमेंट साबित अगर नहीं होता है तो विल साबित नहीं हुई इसका। अच्छा। मतलब
वो डॉक्यूमेंट के आधार पे आपको विल के आधार पे आपको कुछ भी मिलना नहीं है। इसलिए विल जो नियम में जो लिखा है, जो कानून में लिखा है, उसी हिसाब से विल बनना चाहिए। अदरवाइज वो विल साबित नहीं हुई, अटेस्ट विटनेस अगर सही नहीं रहे, उन्होंने कोर्ट में जवानी सही नहीं दी, तो उस वो विल उस समय फेल हो सकती है। उससे उसकी जो लिखी अंतिम इच्छा कंटेंट्स साबित नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम बातचीत कर समय मुझे बात और बात आई कि बास्केट एक बैग की भी बात ध्यान में आई मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। कि सभी की मन में कोई इच्छा होती है बकेट लिस्ट के बारे में, बकेट लिस्ट के बारे में। एक पिक्चर भी आया था, मराठी फिल्म भी आई थी, और एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने बनाई थी, माधुरी दीक्षित काम किया था उसमें, वही ने नाम वही है बकेट लिस्ट करके, बकेट लिस्ट। तो उसमें लिस्ट मतलब क्या होता है कि मेरी इच्छा क्या है, हमने अपनी जिंदगी में हमारी इच्छा सब उस बकेट में लिख के रखना चाहिए। फिर एक अपनी जिंदगी उस प्रकार जीना चाहिए कि जिस प्रकार हमने वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहिए। उस फिल्म में बहुत अच्छा होता कि एक 20-22 साल का लड़का जो था वो एस्पायर हो गया था, लेकिन उनकी जो इच्छा थी बच्चे की, अच्छा, वो बच्चे की इच्छा वो बकेट में वैसी रहती है। तो उस इच्छा के अनुसार वो उनकी फैमिली जो माँ पिताजी होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि ये बच्चों का जो हार्ट जो था, हृदय जो था, वो अच्छा, किसको दिया गया। एक्चुअली ये बात मालूम नहीं गिलती है, लेकिन अच्छा, उन्होंने उनको जानकारी मिली, उन्होंने उसको मिली और बताया कि भाई कि मेरे बच्चे का दिल जो है वो आपके बच्चे के पास में आया है, और हमारी ये ख्वाहिश बच्चे की रगे थी वो पूरी ख्वाहिश आपने पूरी करना चाहिए। और उस फिल्म में ये बताया गया है कि बहुत अच्छी तरह से कि भाई उस बच्चे की जो दिल की ख्वाहिश थी वो बाकी लिस्ट में जो बातें बाकी थी वो बातें उस फैमिली ने पूरी की, और इस प्रकार उनको समाधान मिला कि भाई कि मेरी इच्छा जो थी, मेरा जो मन की भाव थे वो इन्होंने पूरी की। इस प्रकार सम्मान हमने भी विल का करना चाहिए सर। बहुत अच्छे सर, यानी निर्धारित समय में आपने जो बातें बताई है और इस टॉपिक को लेकर मृत्युपत्र विरासत अधिकार का नियोजन इसके बारे में जो टिप्स दिए, तो आम जनता में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है बहुत ही उपयुक्त रहा, और संवाद भी जो चला वो सिलसिला वो बिल्कुल ही बढ़िया रहा। मल्लर आप ये कुछ बोलना चाहते हैं आप? देखो ये जो वील के बारे में एक विषय ऐसा होता है, विल के बारे में ऐसा होता है ऐसा कि वील ये हम कितने बार भी लिख सकते हैं। मैं आपको एक बार बताना चाहता था ऐसा बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात ऐसी। मुझे आज ऐसा लगा कि मैंने मेरी विल ये इनको एक किसको देना चाहिए। मुझे बाद में ध्यान में आता है कि मैंने गलती कर दिया, इस प्रकार मैंने नहीं करना चाहिए। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं उसमें बदलाव भी कर सकता हूँ। अच्छा, कितनी बार? वो उसको कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं उस विल में बदलाव कर सकता हूँ। इम्पोर्टेंट बात। और लेकिन मुझे उसमें लिखना जरूरी है कि अभी मैंने जो विल लिखी है ये अंतिम विल है, उसके पहले के सभी जो विल जो है वो मैंने रद्द कर दी है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये रिवोकेशन ऑफ विल ये भी कानून में प्रोविजन है कि हम कब विल को वापस ले सकते हैं। अच्छा, तो जरूर नहीं कि भाई कि मैंने मेरी इच्छा व्यक्त कर दी वो रजिस्टर हो गया फिर वही विल माना जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। मैं अगर चाहूँ, मुझे ऐसा लगा कि भाई कि मेरे कुछ गलती हो गई, मुझे उसको सुधार करना जरूरी, बदल करना जरूरी चाहिए, तो मेरी मन की मर्जी, मेरी इच्छा है और मैं विल को इसको बदल कर सकता हूँ, और मुझे वो कानून से परमिशन भी है। तो ये भी विल का बहुत एक अच्छा पॉइंट भी है कि अपनी इच्छाओं के अनुसार भी विल बनती है और बनाना चाहिए सर। थैंक यू सर, बहुत सारी उपयुक्त जानकारी हमने आज हासिल की। आज समय निकाल कर हमारे मल्हार कम्युनिकेशन प्रस्तुत हॉबी डूबी डू ये टॉक शो में आप आए, तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद। We'll be right back.